नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई ब्रांड का ये हेडफोन ख़रीदना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि ये हेडफोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसमें क्या इसके क्या अच्छे फीचर्स हैं और क्या क्या आपको इसमें अच्छा नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो अब चलिए जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा हेडफोन कैसा है। तो ये रहा हेडफोन का बॉक्स, अब हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं। तो ये खुल गया है और ये रहा हमारा हेडफोन। आपको हेडफोन के साथ इसका ऑडियो केबल और चार्जिंग केबल भी मिलेगा और इसमें यूज़र मैनुअल है और ये कुछ कार्ड है पतला सा। तो चलिए अब हेडफोन को देखते हैं कि हमारा हेडफोन कैसा है। तो हेडफोन का कलर प्योर ब्लैक है, तो इसमें साइनिंग भी काफ़ी अच्छा है, तो साइन भी काफ़ी अच्छा कर रहा है ये हेडफोन। और ये रहा इसका चार्जिंग केबल, आपको इसे अपने चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज करना होगा। और ये रहा इसका ऑडियो केबल जिसका लेंथ ठीक है, लेकिन चार्जिंग केबल का जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा है, अराउंड हाफ मीटर। तो चलिए इसे लगा के देखते हैं ऑडियो केबल को। अभी तो ये नया है तो काफ़ी टाइट है, तो दिक्कत हुआ लगाने में। और ये रहा इसका यूज़र मैनुअल और ये कुछ कार्ड है पता नहीं। तो अगर आप लोग ये हेडफोन ख़रीदने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ काम की बातें बता दूं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है बिफोर बाइंग दिस हेडफोन। तो चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं फ्लिपकार्ट पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 799 रुपीज़। और आप लोग यहाँ पे देखें तो चार्जिंग टाइम लिखा हुआ है 1.5 आवर्स, और जब आप इसे प्लेबैक टाइम यहाँ पे चेक करेंगे तो साफ साफ लिखा 15 आवर्स बैटरी डेट लास्ट थ्रू आउट योर डे। लेकिन जब आप इसका यूज़र मैनुअल देखेंगे तो वहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, चलिए मैं लिखाता हूँ। चार्जिंग टाइम लिखा हुआ है 2.5 आवर्स, लेकिन फ्लिपकार्ट पे लिखा हुआ था 1.5 आवर्स। और आप इसमें देखें तो प्लेबैक टाइम लिखा हुआ है अप टू 9 आवर्स, यानी कि 9 घंटे तक, लेकिन फ्लिपकार्ट पे दिया हुआ था 15 घंटा। तो देख सकते हैं कहीं पे कुछ और लिखा हुआ, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ, और बाकी सब तो जो था वही है। तो ये हेडफोन कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों, इस हेडफोन में माइक्रोफोन भी है, तो अब हम लोग इसका माइक्रोफोन का टेस्ट करेंगे। आपको मैं इस हेडफोन से बोलूँगा और आप लोग को सुनाऊँगा कि इससे ऑडियो कैसा आता है। पहले हम लोग पेयरिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको पेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ब्लूटूथ ऑन करूँगा, मेरा तो पेयर किया हुआ है तो ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट हो गया है तो मैं अब बोलूँगा तो आपको पता चलेगा कि इससे आवाज़ कैसा आता है। तो आई थिंक जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो मैं, तो जो आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं वो माइक्रोफोन से मैं जो बोल रहा हूँ उसका आवाज़ आ रहा है। तो आप लोग सुन सकते होंगे कि आवाज़ काफ़ी धीमे आ रहा है और आउटर साउंडिंग का जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ है, तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा माइक्रोफोन से, तो उसका रहना या ना रहना बेकार है। तो हेडफोन का ईयर पैड भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, ये काफ़ी साइन करता है और ये काफ़ी अच्छे समय तक चलने वाला है। और हेडफोन का बॉडी भी है वो पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन ये बॉडी काफ़ी मजबूत है और ये भी काफ़ी अच्छे समय तक चलेगा, ये जल्दी टूटेगा नहीं और इसमें जल्दी स्क्रैच भी नहीं लगने वाला है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। हालांकि इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा हेडफोन लगता है। और ये रहा इसका वॉल्यूम बटन जिससे आप आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं और कोई और वीडियो भी या म्यूज़िक को भी चेंज कर सकते हैं बाय लॉन्ग प्रेस। तो चलिए अब हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं। तो जब ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट जलेगा और उसके बाद ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक करता है, इट मीन्स आपका जो हेडफोन है वो पेयर करने के लिए रेडी है। तो आपको अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कीजिए और इसे कनेक्ट कीजिए।
तो 1 घंटे तक लगातार यूज़ करने के बाद इसका बैटरी 20% घट चुका है। पहले इसका बैटरी लगभग 90% था, अब ये 70% हो गया है। तो 1 घंटे के यूज़ के बाद इसका बैटरी 20% कम हो गया है। सो ये लगभग इस हिसाब से तो ये लगभग 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।